नॉट द लीस्ट श्री वासु जी, रिक्वेस्ट करूंगा वासु जी को यहाँ पे आ जाए। इस आश्रम को हमने बनाया तो है, हम कह सकते हैं कि जगदीश और मैं पार्टनर है इस आश्रम को बनाने के लिए, लेकिन जो मेहनत की है वो श्री वासु जी ने की है, उनके लिए जोर जोर कर ताली बजाएं। अगर आज वासु जी नहीं होते तो ये आश्रम की इस रूपरेखा को हम लोग तैयार नहीं कर पाते हैं। तो वासु जी को मैंने कहा था कि आश्रम शुरू होने के बाद पहले कोर्स में आपको ऐसे साधक आना है, पहले तो मना किया, पहले दिन ही भागने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन फिर ऐसे चुंबक की तरह चिपक गए इन 24 साधकों के साथ कि वो अंत में आज तक हमारे साथ इस कोर्स को निभा रहे हैं और उसका एक्सपीरियंस भी उनको अच्छा मिला है। अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे श्री वासु जी। सर मजाक कर रहे हैं, एक्चुअली किया ऊपर ने बोलते हैं ना रे मथा पर के लिया था, एक्चुअली करे वही तो। हरिओम सभी प्यारे संतों को मेरा प्रणाम। वैसे तो मैं शरीर के हिसाब से, मन के हिसाब से बहुत ही विचलित और चंचल स्वभाव है मेरा, और शॉर्ट टेम्पर भी हूँ, मेरे स्वभाव में ठहराव है ही नहीं। लेकिन सर मेरे 12 साल से दोस्त हैं, वो मेरे स्वभाव को अच्छी तरह से जानते हैं, तो उन्होंने बोला आप आओ, बोला आपको मालूम है मैं खुद लिखता हूँ, मैं खुद नहीं पढ़ सकता हूँ, ये सब लिखा पढ़ ये मुझे नहीं आएगी, तो बोला सिर्फ मेरे को ही ऐसा कहानी, बोला आप आओ खाली, जब भी आप कहते थे जाओ आओ किधर भी जाओ कुछ भी करो अटेंड करो नहीं को तुम्हें, तो ठीक है चलो। तो वैसे तो पहले तो 2-3 दिन सर के ऊपर जा रहा था, हाँ सच्ची बात है बिल्कुल सर के ऊपर जा रहा था, लेकिन उसके बाद भी बोला चलो देख बैठते, लेकिन इनका चुंबक और बोलते जादू की छड़ी या प्यार ऐसे मैं नहीं बोल सकता हूँ। और वैसे देखा जाए ना तो अपने को इंसान को क्या चाहिए, पैसा शानो शकत है और चलिए स्पिरिचुअल भी चाहिए, जिसको हम लास्ट में कैटेगरी में रखते हैं, जबकि उसको पहले रखना चाहिए, लेकिन हम जो जिस समाज में जी रहे हैं तो पहले पैसा चाहिए शानो शकत ये वो सब बातें पता नहीं चलो भी सब तो लास्ट में रखते हैं। तो उस बात को जब मैंने अभी बताने की क्या बताऊँ अभी मैं, जो मैंने थोड़ा इतना अनुभव किया, इतना जैन का मैंने इतना तथ्य सिर्फ समझा हूँ, तो उसमें भी ऐसा लग रहा है अगर मैं नहीं आता था तो जिंदगी का बहुत सारा खजाना या क्या बोले कुछ भी बोल सकते खजाना बोलो या स्पीचिंग बोलो मिस करता था। वो उनका पूरा प्यार हमारे पापा है। थैंक यू।